अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज ये हमारे पास एक कंट्रोलर है जो इसकी सेटिंग करेंगे हम और देखेंगे इसकी जो है वायरें कहाँ कहाँ पर कैसी लगती हैं। ठीक है, सोलर की कहाँ और बैटरी की कहाँ लगती हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले बैटरी इसमें लगानी है, सोलर नहीं पहले लगानी है, अपने बैटरी लगानी है। ठीक है, अपने बैटरी की प्लस माइनस देख के लगानी है। ठीक है, ये मैंने लगा दी, ये मेरा कंट्रोल चल गया। ठीक है, ये भी 12.6 वोल्टेज भी मेरी बैटरी के पड़े हैं। ठीक है, तो आपने इसके बाद वो है आपने प्लेट सोलर आपने कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, तो मैं भी सोलर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए चार्जिंग आ गया, सोलर चार्जिंग करने लगा। ठीक है, तो अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो आपने सबसे पहले इस बटन को दबाना है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि इस जगह पर सेटिंग आपकी है। यहाँ पर एम्पेयर शो कर रहा है, लोड की एमएच शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बैटरी वोल्टेज। तो हम इसको बार क्लिक करते हैं 2 मिनट के इस बटन को जो रीसेट वाला, इसको प्रेस करेंगे, फिर इन दो बटनों की मदद से अप डाउन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको जैसे 13.2 पे खड़ा देता हूँ। तो आपने फिर से वही बटन जो रीसेट वाला है उसको आपने प्रेस करना है। उसको फिर से दोबारा प्रेस करेंगे अगली सेटिंग में। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लोड आपका कितने वोल्टेज पर ऑन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोड कितने वोल्टेज पर जो बैटरी को वो ऑफ हो जाए। तो ये लास्ट 9 तक इसके नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लोड, यहाँ पर ये कह रहा है कि आप कितने घंटे जो हैं अपना लोड ऑन रखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20 घंटे। ये देखिए मैंने 20 घंटे रख दिया। अब ये हमारा 21 घंटे तक लोड चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, ऑफ हो जाएगा। अब ये दोबारा चार्जिंग पे आ गया। ये देखिए 22 सेंटीग्रेड है, 4 एम्पेयर हमारे प्लेट से आ रहे हैं सोलर से। ये देखिए 13.2 पे हमारी बैटरी फुल हो जाएगी। यहाँ पर 13.4 पे हमारा जो है बैकअप चलेगा। यहाँ पर 21 घंटे हमारी लाइटें जलेंगी, लोड चलेगा। ठीक है, तो ये है कितने का, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मेरे पास जो है 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट 24, ठीक है, वोल्टेज तक ये रन कर सकता है। और यहाँ पर 50 एम्पेयर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले प्लेट नहीं कनेक्ट करनी है, यहाँ पर सबसे पहले बैटरी कनेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद लोड चाहे वो सोलर कनेक्ट कर दें, इसका कोई मसला नहीं होता। पहले आपने बैटरी कनेक्ट करनी है इसके साथ, नहीं तो आपकी डिवाइस ख़राब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप USB भी लगा सकते हैं अगर आपके कंट्रोलर में है तो, ये चार्ज करती है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।